सही चीज़ की तरफ आऊँगा। तो बहरहाल आइए एक के बाद एक हम जो हम सूरत की जो है हम तफसीर देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 उसकी आयत नंबर 1 में अल्लाह फरमाता और कहता है हल आता का हदीसुल गाशिया। अल्लाह फरमाता और कहता है क्या तुझे छुपा लेने वाली की खबर पहुँची, मतलब तुझे उस चीज़ की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर पहुँची जो छुपा लेने वाली है, जो ढांक लेने वाली है। और यहाँ छुपा लेने वाली और ढांक लेने वाली से मुराद कयामत है, जो जब आएंगी पूरी कायनात को या तो छुपा लेंगी, कि तो छुपने वाली चीज़ तो कोई चीज़ ढांकती है, यहाँ छुपाने का तस्करा, लेकिन छुपाने से मुराद कोई चीज़ छुपेंगी, मतलब कोई चीज़ उसको ओवरकम करेंगी, ढांक लेंगी, दबा देंगी। तो क्या तुझे उस चीज़ की खबर पहुंची है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छुपा लेने वाली है, छुपा लेने वाली मतलब चीज़ों को ढांक देने वाली है, जिससे खुद ब खुद चीज़ें छुप जाने वाली है। तो यहाँ इससे मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं ये क़यामत का तस्करा है, ये क़यामत जब आएंगी वो चीज़ों को ढांक लेंगी, वो चीज़ों को छुपा देंगी, और पूरी कायनात उसके जो जिसको कहेंगे फितरत है, जिस पर वो बनी, जो फिजिकल लॉज है जिसके ऊपर अल्लाह ने उसको कायम किया, वो फिजिकल लॉज को डिफाई करना शुरू कर देंगी, इनकार करना शुरू कर देंगी, उसकी खिलाफ वर्जी करके पूरी कायनात चलने लगेंगी, है ना। और ये क़यामत की याद रखिए निशानियों में से है कि गैर फितरी चीज़, गैर मामूली चीज़ें होंगी, जैसा कि जानवर बोलने लगेंगे, जो कि पॉसिबल चीज़ नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे। जानवर बात करते हैं, साइंटिफिकली भी साबित है, कुरान भी कहता है, लेकिन उस टाइम वो इंसानों से बात करेंगे, ये एक उसका गैर फितरी अमल होगा जो कि आमतौर से नहीं होता है, ठीक। और क़यामत की जितनी बड़ी अलामत है सब गैर फितरी है, सब ऐसी है जो नेचर को, मतलब जो आम फितरत है, आम नेचर पर अल्लाह ने बनाया, उससे हटकर होंगी। और छोटी अलामत है सबकी, सब नेचर के मुताबिक है, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाएंगी। जैसा क़यामत से पहले झूठ बोला जाने लगेगा ज़्यादा, तो अभी भी झूठ लोग बोलते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में भी झूठ बोलते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा, ये छोटी है। लेकिन बड़ी निशानियाँ सब गैर फितरी है, जानवर को बात करना गैर फितरी है, ठीक है। इसी तरह एक दिन का साल के बराबर होना गैर फितरी है, दज्जाल आएगा तो एक दिन पहला एक साल के बराबर होगा तो बिल्कुल गैर फितरी है, दूसरा दिन महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, और चौथा दिन उसके बाद जो है रेगुलर डेज के जैसे हो जाएंगे, ठीक। तो बहरहाल तो ये गैर फितरी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही अजीब चीज़ें हैं। तो क़यामत एक ऐसी चीज़ है जो ढांक लेने वाली है, जो कुछ उसके अंदर है सब इन्वॉल्व हो जाएंगे, सब छुप जाएंगे उसके अंदर। तो कहा क्या तुम्हें उस चीज़ की खबर पहुंची जो ढांक लेने वाली